प्यारे बच्चों नमस्कार। SVM सीनियर सेकेंडरी स्कूल पीलीबंगा की ऑनलाइन क्लास में बच्चों आपका स्वागत है। कक्षा 12 के लिए कंप्यूटर विषय के लिए अपने जो टॉपिक चल रहा था वो चल रहा था डाटा मॉडल। तो डाटा मॉडल के बारे में अपने चर्चा कर ली थी, रिलेशनल डाटा मॉडल के बारे में अपने चर्चा कर ली थी। तो आज चर्चा करते हैं नेटवर्क डाटा मॉडल के बारे में कि नेटवर्क डाटा मॉडल क्या होता है। थोड़ा सा एक बार डाटा मॉडल के बारे में, जो रिलेशनल डाटा मॉडल बताया था आपको, थोड़ा सा उसके बारे में एक बार फिर से थोड़ा सा बता देता हूँ कि जो रिलेशनल डाटा मॉडल होता है वो रो और कॉलम, यानी डाटा रो और कॉलम दोनों में डाटा का यूज़ करके इस्तेमाल किया जाता है और उसमें टू डायमेंशनल एरे का यूज होता है। ये हमने किया था। तो उसमें जितना भी डाटा होता है उनमें आपस में क्या होती है, रिलेशनशिप होती है, उसमें एंटिटी का यूज़ किया जाता है, रिलेशनशिप बनाई जाती है। तो आगे चलते हैं अपने नेटवर्क डाटा मॉडल के बारे में। तो नेटवर्क डाटा मॉडल क्या होता है, इसमें परिभाषा देखो इसकी, जो लिखी है कि इस डाटा मॉडल में डाटा को मैनी टू मैनी रिलेशन में दर्शाया जाता है। यानी इसमें जितना भी डाटा होता है उसमें ये रिकॉर्ड बेस्ड पर आधारित होता है, यानी जितना भी डाटा होता है उसको मैनी टू मैनी, यानी कि अनेक डाटा का अनेक डाटा से रिलेशन संबंध बनाया जा सकता है। मैनी टू मैनी रिलेशन में डाटा को दर्शाने का काम होता है। इसमें भी जितना भी डाटा होता है वो डाटा पेरेंट और चाइल्ड के रूप में होता है, यानी मुख्य जो डाटा होता है वो पेरेंट डाटा होता है और दूसरा जो डाटा होता है वो जो उसके गुण उसके दूसरे डाटा के अंदर जिसमें गुण पाए जाते हैं वो होता है चाइल्ड डाटा होता है। ठीक है, तो पेरेंट और चाइल्ड डाटा के रूप में इसमें डाटा को दर्शाया जाता है। और इसमें देखिए, इस डाटा मॉडल में डाटा को मैनी टू मैनी रिलेशन में दर्शाया जाता है, इसमें रिलेशन लिंक यानी पॉइंटर के माध्यम से बनाया जाता है। जो भी लिंक बनाया जाता है, डाटा का संबंध बनाया जाता है, दर्शाया जाता है, वो किसके माध्यम से दर्शाया जाता है, पॉइंटर के माध्यम से दर्शाया जाता है, यानी लिंक के माध्यम से दर्शाया जाता है। लिंक बनाकर, जैसे ये लिंक बने देखिए अब, ठीक है, ये पॉइंटर यानी लिंक के माध्यम से दर्शाया जाता है, लिंक को ही पॉइंटर कहते हैं। ठीक है, इसमें डाटा को एक से अधिक फोरम में स्टोर किया जाता है, यानी इसमें कितनी फोरम होती है, इसमें दो ही फोरम होती है, एक चाइल्ड फोरम होती है और एक पेरेंट फोरम होती है। तो डाटा को पेरेंट और चाइल्ड फोरम में इसमें डाटा को स्टोर किया जाता है, कौन से मॉडल में, नेटवर्क डाटा मॉडल में। ठीक है, इस डाटा, ये जो डाटा मॉडल होता है ये रिलेशन पर आधारित होता है। इस डाटा मॉडल में पेरेंट व चाइल्ड फोरम के रूप में डाटा होते हैं और इस मॉडल में डाटा हमें तुरंत प्राप्त हो जाता है। यानी ये डाटा मॉडल जो है ये काफ़ी सरल डाटा मॉडल बताया गया है। इसका कॉन्सेप्ट जो होता है, इसकी अवधारणा जो होती है वो काफ़ी सरल होती है, इजी होती है। हम जो भी कार्य करते हैं, जो भी हम डाटा है एक दूसरे से डाटा का जो संबंध बनाते हैं, रिलेशन बनाते हैं, तो हमें डाटा हमें तुरंत प्राप्त होता है, क्योंकि जो डाटा प्राप्त करने के जो रास्ते होते हैं वो इसमें बहुत ज़्यादा होते हैं। तो इसलिए कि डाटा हमें तुरंत प्राप्त हो जाता है, क्योंकि इसमें ज़्यादा क्या बने होते हैं, लिंक बने होते हैं, एक दूसरे से डाटा का क्या होता है, संबंध होता है, इसलिए हमें तुरंत डाटा प्राप्त हो जाता है। काफ़ी इसका जो कॉन्सेप्ट है काफ़ी इसका इजी है। ठीक है, आगे चलते हैं। आसानी से डाटा को एक्सेस किया जा सकता है, यानी कि कोई भी डाटा है हम उसको आसानी से एक्सेस कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। और इस डाटा मॉडल में एक चाइल्ड को अनेक पेरेंट फोरम, यानी कि ये जो डाटा मॉडल होता है इसमें एक चाइल्ड को अनेक पेरेंट फोरम, यानी कि एक चाइल्ड जो होता है उसके अनेक पेरेंट फोरम हो सकते हैं, लेकिन ऐसा हायरार्किकल मॉडल में बिल्कुल भी नहीं होता है। हायरार्किकल मॉडल में क्या होता है कि एक जो पेरेंट होता है उसके चाइल्ड ज़रूर अनेक हो सकते हैं, हायरार्किकल मॉडल में एक पेरेंट जो होता है उसके चाइल्ड अनेक जरूर हो सकते हैं, लेकिन जो चाइल्ड होता है उसके पेरेंट अलग अनेक नहीं हो सकते, किसमें, हायरार्किकल में। लेकिन ऐसा नेटवर्क मॉडल में बिल्कुल भी नहीं है। नेटवर्क मॉडल में क्या होता है कि जो चाइल्ड फोरम है उसके पेरेंट फोरम अनेक हो सकते हैं, इसलिए ही इसमें क्या कहा जाता है कि ये जो डाटा मॉडल होता है ये मैनी टू मैनी रिलेशन में डाटा को दर्शाने का
काम करता है। तो इसमें यही लाइन बताई गई है कि इस मॉडल में एक चाइल्ड के अनेक पेरेंट फोरम हो सकते हैं, एक चाइल्ड के अनेक पेरेंट फोरम हो सकते हैं, लेकिन हायरार्किकल मॉडल में एक चाइल्ड का एक ही पेरेंट होता है। हायरार्किकल मॉडल में क्या होता है कि जो एक चाइल्ड है उसका एक ही पेरेंट हो सकता है, लेकिन ध्यान ये भी रहना चाहिए कि जो पेरेंट होता है हायरार्किकल मॉडल में उसके जो चाइल्ड फॉर्म होते हैं वो अनेक हो सकते हैं। ठीक है, तो इस मॉडल में एक रिकॉर्ड को अनेक रिकॉर्ड से लिंक किया जा सकता है और अनेक रिकॉर्ड को एक रिकॉर्ड से भी लिंक किया जा सकता है। अभी मैंने आपको बताया था कि जो नेटवर्क डाटा मॉडल होता है ये रिकॉर्ड्स में क्या करता है, लिंक बनाने का काम करता है। एक रिकॉर्ड अनेक रिकॉर्ड से जुड़ा हुआ होता है और अनेक रिकॉर्ड जो है वो एक रिकॉर्ड से भी जुड़ा हो सकता है। तो उसी प्रकार क्या होता है कि जब भी हम कोई सूचना मांगते हैं, मान लो एक कोई रिकॉर्ड है उसकी सूचना मांग रहे हैं, तो उस रिकॉर्ड को 5 अलग रिकॉर्ड से जोड़ा गया है, तो हमें यह जो सूचना मांगी जाएगी तो सभी रिकॉर्ड के साथ हमें सूचना प्राप्त हो जाएगी, क्योंकि उस रिकॉर्ड का संबंध 5 अन्य रिकॉर्ड से है, तो टोटल सूचना हमें प्राप्त होगी। तो इस प्रकार क्या किया जा सकता है कि इसमें एक रिकॉर्ड को अनेक रिकॉर्ड से जोड़ा जा सकता है, और इसमें डाटा को जोड़ने के लिए, रिकॉर्ड को जोड़ने के लिए किसका यूज किया जाता है, पॉइंटर का यूज किया जाता है, लिंक का यूज किया जाता है, इसे पॉइंटर कहते हैं। ठीक है, अब नीचे देखो, इसका मैंने जो डायग्राम बनाया है, चित्र बनाया है, गौर से समझें। ये हमारे पास मान लो एक रिकॉर्ड है जिसका नाम क्या है, ए, और ये है दूसरा रिकॉर्ड जिसका नाम क्या है, बी। ठीक है, हमारे पास दो रिकॉर्ड है। अब ये दो रिकॉर्ड है जिसमें ए रिकॉर्ड है, इसका जो लिंक बनाया गया है वो कितने रिकॉर्ड से बनाया गया है, ध्यान से देखना, इसका रिकॉर्ड का जो लिंक बनाया गया है सी से, डी से और ई से, यानी कि इस रिकॉर्ड का संबंध 3 रिकॉर्ड से है। ठीक है, इधर देखिए, जो ये दूसरा बी वाला रिकॉर्ड है, ये इसका संबंध किससे बनाया गया, लिंक किससे बनाया गया, सी से बनाया गया, ई से बनाया गया, एफ से बनाया गया। ठीक है, यहाँ तो देखो हो गई 1-to-many, लेकिन आगे देखो, ये पेरेंट हो गया तो बाकी क्या हो गए, चाइल्ड्स हो गए। ये पेरेंट है तो ये चाइल्ड है, ये चाइल्ड है और ये चाइल्ड है, ये पेरेंट है तो ये चाइल्ड है, ये चाइल्ड है, ये चाइल्ड है, क्लियर। लेकिन यहाँ गौर से देखिए, जो एच नाम का रिकॉर्ड है उसके पेरेंट कितने हैं, 2। अभी मैंने बात की है कि जो नेटवर्क मॉडल होता है उसमें जो चाइल्ड फॉर्म होता है उसके पेरेंट्स अनेक हो सकते हैं। ठीक है, तो ये देखो चाइल्ड फॉर्म है जिसका नाम क्या है, एच है, ये चाइल्ड रिकॉर्ड है, और इसका संबंध किससे है, 2 पेरेंट रिकॉर्ड से है जिसका नाम क्या है, ई है और एफ है। इधर देखिए, जी नाम का जो रिकॉर्ड है, ठीक है, जी नाम का रिकॉर्ड है, ये कौन सा फॉर्म है, कौन सा रिकॉर्ड है, ये चाइल्ड है, और चाइल्ड का संबंध कितने हैं, पेरेंट से है, कितने पेरेंट से है, 2 पेरेंट से है, सी पेरेंट से और डी, यानी कि 2 रिकॉर्ड से इसका संबंध है। तो मेरा कहने का मतलब, इसमें एक जो चाइल्ड है उसके अनेक पेरेंट हो सकते हैं। तो ये टोटल जो रिलेशनशिप है ये क्या दर्शाती है हमें, मैनी टू मैनी रिलेशन दर्शाने का काम करती है, यानी अनेक का अनेक से संबंध, यानी अनेक रिकॉर्ड का अनेक रिकॉर्ड से संबंध इसमें हो सकता है। तो ये नेटवर्क डाटा मॉडल है। एक दूसरा एग्जांपल इधर दे रखा है, देखिए सेम उसी प्रकार का है। यहाँ पर ये है पेरेंट रिकॉर्ड है, पेरेंट फोरम है, और इसके जो चाइल्ड फोरम है वो कितने हैं, 3 है, बी, सी और डी, ये कितने हैं इसके, चाइल्ड फोरम है। ठीक है, लेकिन चाइल्ड फोरम है उनका भी एक पेरेंट है, कहने का मतलब ये जो पेरेंट है इसके चाइल्ड हुए, लेकिन ये जो तीनों है इसके लिए क्या है, पेरेंट फोरम है तीनों। ठीक है, तो ई रिकॉर्ड है ये क्या है, चाइल्ड है, तो इसके लिए पेरेंट कौन हुए, ये तीनों हुए, तो यानी इस चाइल्ड रिकॉर्ड का संबंध पेरेंट रिकॉर्ड से है, कितने पेरेंट रिकॉर्ड से है, 3 पेरेंट रिकॉर्ड से है, बी, सी और डी, इन तीनों से इसका रिलेशन है। तो ये क्या हुआ, अनेक पेरेंट हो गए, एक चाइल्ड हो गया, यहाँ पर एक पेरेंट हो गया, अनेक चाइल्ड हो गए। तो इस प्रकार ये मैनी टू मैनी रिलेशनशिप को दर्शाने का काम करती है, इसे कहते हैं नेटवर्क
डाटा मॉडल। एक बार थोड़ा सा फिर से रिपीट कर लेते हैं, नेटवर्क डाटा मॉडल को मैनी टू मैनी रिलेशन में दर्शाया जाता है और इसमें रिलेशन यानी कोई भी हम रिलेशनशिप दर्शाते हैं तो उसको किसके द्वारा दर्शाते हैं, पॉइंटर के द्वारा दर्शाते हैं, लिंक कहते हैं उसको। और इसमें डाटा को एक से अधिक फोरम में स्टोर किया जाता है, एक से अधिक फोरम जो होती है वो पेरेंट और चाइल्ड फोरम होती है, और जो रिलेशन पर आधारित होती है यानी कि जो भी फोरम बनाते हैं वो किस पर आधारित होगी, रिलेशन पर आधारित होगी। इस डाटा मॉडल में डाटा जो होता है वो पेरेंट और चाइल्ड के रूप में होता है और इस डाटा मॉडल में डाटा को हम तुरंत प्राप्त कर सकते हैं। और तुरंत प्राप्त करने का एक कारण होता है क्योंकि जो उसका कॉन्सेप्ट होता है, इसकी अवधारणा होती है, वो काफ़ी क्या होती है, इजी होती है, ठीक है, आसानी से डाटा को हम एक्सेस कर सकते हैं। इस मॉडल में चाइल्ड को अनेक पेरेंट यानी एक चाइल्ड के अनेक पेरेंट हो सकते हैं इस डाटा मॉडल के अंदर, लेकिन हायरार्किकल मॉडल में क्या होता है कि जो एक चाइल्ड होता है उसका एक ही पेरेंट होता है, लेकिन एक पेरेंट के अनेक चाइल्ड हो सकते हैं। तो इस डाटा मॉडल में एक रिकॉर्ड को अनेक रिकॉर्ड से लिंक किया जा सकता है, अनेक रिकॉर्ड को एक रिकॉर्ड से भी लिंक किया जा सकता है। ये किस पर आधारित है, लिंक पर आधारित है, पॉइंटर पर आधारित है, और हम डाटा को अच्छी तरह से इस मॉडल के अंदर डाटा को मेंटेन कर सकते हैं, क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। तो बच्चों अब आगे इसके बाद में जो चलते हैं वो हमारा डाटा मॉडल है हायरार्किकल मॉडल, हायरार्किकल डाटा मॉडल, तो उसके बारे में अभी चर्चा करते हैं। तो नेटवर्क डाटा मॉडल जो है उसकी एक कमी भी थी, क्या कमी है, उसकी कमी ये है कि उसमें हम कोई डाटा एडिटिंग करते हैं, डाटा में किसी प्रकार का बदलाव जो करते हैं तो वो बदलाव करना इतना सरल नहीं होता, बहुत ज़्यादा कठिन होता है, ठीक है। कहने का मतलब नेटवर्क डाटा मॉडल में जितना हम उसको सरल समझते हैं, उसका कॉन्सेप्ट जो सरल समझते हैं उतना वो है नहीं, उस पर जब कार्य करते हैं तो वो काफ़ी क्या होता है, जटिल नज़र आता है, एडिटिंग काफ़ी उसकी जटिल होती है। तो आइए अब चर्चा करते हैं हायरार्किकल डाटा मॉडल के बारे में। तो हायरार्किकल डाटा मॉडल क्या होता है, जैसे एक पेड़ होता है, पेड़ का मुख्य जो भाग होता है, नीचे का जो भाग होता है वो तना होता है, तना के बाद में उसके क्या होती है, शाखाएं होती है, शाखाओं के बाद में टहनियां, टहनियों के बाद में पत्ते, ठीक है। अब उसी वृक्ष को जैसे अपने उल्टा करके देखते हैं तो ऊपरी ऊपर भाग कौन सा हो जाएगा, तना हो जाएगा, यानी उसका मुख्य भाग है। उल्टा वृक्ष करके देखते हैं, वृक्ष को उल्टा कर देते हैं तो उसका मुख्य जो भाग है वो क्या है, तना, ठीक है। तना के बाद में उसकी क्या निकलती है, शाखाएं निकलती है, यानी कि एक मुख्य भाग की कई शाखाएं हैं, और कई शाखाओं के बाद में उसकी क्या निकलती है, कई टहनियां निकलती है, कई टहनियों के बाद में जैसे उसके पत्ते होते हैं। तो इस प्रकार क्या है, हायरार्किकल जो डाटा मॉडल होता है उसमें क्या होता है कि उसमें जो भी डाटा होता है वो पेड़ के ढांचे के समान होता है, उल्टे वृक्ष के समान होता है। उसमें एक मुख्य जो डाटा होता है वो किसके रूप में होता है, वो एक रूट के रूप में होता है, मैन पेरेंट के रूप में होता है, और बाकी जितना भी डाटा होता है, मुख्य डाटा के अंदर जितना भी डाटा रखा जाता है वो क्या होता है, चाइल्ड डाटा के रूप में होता है। तो इसमें डाटा कैसे रखा जाता है, पेरेंट और चाइल्ड के रूप में डाटा को रखने का काम किया जाता है। तो जितनी भी फोरम होती है वो पेरेंट और चाइल्ड फोरम होगी, और पेरेंट और चाइल्ड फोरम में हम डाटा को डिफाइन इसमें कर सकते हैं। इनमें भी क्या होता है, डाटा का आपस में संबंध बनाने के लिए किसका यूज किया जाता है, पॉइंटर का यूज किया जाता है, लिंक का यूज किया जाता है। जैसे नेटवर्क मॉडल में हमने पॉइंटर का यूज किया, लिंक का यूज किया, ठीक उसी प्रकार हायरार्किकल डाटा मॉडल में भी पॉइंटर का यूज किया जाता है, लिंक का यूज किया जाता है, ठीक है। तो आइए पढ़ते हैं, यह डाटा मॉडल डाटा को ट्री स्ट्रक्चर में स्टोर करके रखता है, यानी कि डाटा को ट्री स्ट्रक्चर, पेड़ के ढांचे के समान डाटा को स्टोर करके रखता है, ठीक है। एक खास बात यह भी है कि इसमें बहुत ज़्यादा डाटा होता है और मेमोरी भी काफ़ी ये लेता है, तो वह भी एक उल्टे वृक्ष के समान डाटा को स्टोर करने का काम करता है। इसमें भी डाटा को पेरेंट और चाइल्ड फॉर्म में दर्शाया जाता है, जो भी डाटा होता है पेरेंट और चाइल्ड फॉर्म में दर्शाने का कार्य हायरार्किकल मॉडल में किया जाता है। इस मॉडल में एक पेरेंट होता है लेकिन चाइल्ड्स लिमिट से ज़्यादा होते हैं, बहुत ज़्यादा चाइल्ड्स हो सकते हैं इसके अंदर, तो एक पेरेंट और अन्य क्या होते हैं, चाइल्ड डाटा होते हैं, ठीक है। यानी एक चाइल्ड एक ही पेरेंट, चाइल्ड जो होता है एक चाइल्ड का एक ही पेरेंट होता है, लेकिन जो पेरेंट है उसके चाइल्ड बहुत ज़्यादा होते हैं। मैंने आपको ये
नेटवर्क डाटा मॉडल में भी बता दिया था कि हायरार्किकल मॉडल में जो पेरेंट होता है उसके चाइल्ड अनेक होते हैं, लेकिन चाइल्ड का पेरेंट एक ही होता है। यह वन टू मैनी रिलेशन को प्रस्तुत करता है, यानी इसमें रिलेशनशिप कौन सी दर्शाई जाती है। नेटवर्क मॉडल में तो मैनी टू मैनी रिलेशनशिप दर्शाई जाती है, लेकिन इसमें कौन सी रिलेशनशिप दर्शाई जाती है, इसमें वन टू मैनी, वन कौन है, वन पेरेंट है, मैनी कौन है, चाइल्ड है। तो इस प्रकार इसमें किस प्रकार की रिलेशनशिप को यह प्रस्तुत करता है, वन टू मैनी रिलेशन को प्रस्तुत करता है। यह डाटा मॉडल फाइल सिस्टम पर आधारित होता है। ये फाइल सिस्टम क्या होता है, फाइल सिस्टम यानी कि एक रूट नाम की डायरेक्टरी है और उसके अंदर बहुत सी सब डायरेक्टरी है और सब डायरेक्टरी के अंदर बहुत सी फाइल्स है और बहुत सी फाइल्स के अंदर बहुत प्रकार का डाटा है। तो इस प्रकार का जो डाटा होता है, फाइल सिस्टम होता है, वो एक उल्टे वृक्ष के समान होता है, उल्टे पेड़ के समान होता है। ठीक उसी प्रकार यानी ये जो हायरार्किकल मॉडल है ये किस पर आधारित होता है, फाइल सिस्टम पर आधारित होता है। इसमें डाटा को शेयर भी किया जा सकता है, काफ़ी सुविधा दी गई है इसके अंदर, हम डाटा शेयरिंग की सुविधा इसमें ले सकते हैं और इसका जो सुरक्षा चक्र होता है, इसकी जो सिक्योरिटी होती है वो भी काफ़ी इजी होती है, सरल होती है। तो ये था हायरार्किकल डाटा मॉडल और इसकी परिभाषा। अब ध्यान दें, ये जो हायरार्किकल डाटा मॉडल है इसका जो डायग्राम बना है, इसको चित्र के माध्यम से हम समझ सकते हैं क्या है, जो ये ए है, ये ए क्या चीज़ है, पेरेंट डाटा है, यानी कि ये रूट डाटा है, ये मैन डाटा है और इसके अंदर जितना भी डाटा दर्शाया गया है वो सारा का सारा क्या है, चाइल्ड डाटा है। यानी कि ये रूट डाटा है, मैन डाटा है, यानी फाइल सिस्टम जैसा ही है। इसके मैन डाटा के अंदर कितना डाटा है, दो प्रकार का डाटा है, यानी पेरेंट प्रकार का डाटा है तो नीचे बी और सी ये क्या है, चाइल्ड प्रकार का डाटा है, और चाइल्ड प्रकार का बी और सी है तो बी के अंदर भी डी और ई है, ये क्या है, ये भी चाइल्ड है। तो आगे इससे फिर नीचे चलते हैं, एम और एन, ये भी चाइल्ड है। तो कहने का मतलब ये जो डी है यहाँ पर पेरेंट है, एम और एन ये क्या है, चाइल्ड है। यानी कि डी है पेरेंट, पेरेंट का चाइल्ड कितने हुए, दो, कौन, एम और एन। इसी प्रकार आगे चलते हैं, देखो ई नाम का जो डाटा है ये कौन सा है, पेरेंट प्रकार का डाटा है, और ये जो के और एल है, के और एल ये क्या है, चाइल्ड प्रकार का डाटा है। तो चाइल्ड प्रकार के डाटा को किसके अंदर स्टोर किया गया है, ई नाम के पेरेंट प्रकार के डाटा में स्टोर किया गया है, और ई नाम का पेरेंट, ई नाम का जो पेरेंट प्रकार का डाटा है और डी नाम का जो पेरेंट प्रकार का डाटा है, इस ये किसके लिए ये चाइल्ड है, ये बी के लिए चाइल्ड है। तो ये दोनों डाटा किस में स्टोर किए गए हैं, बी में स्टोर किए गए हैं। तो मेरा कहने का मतलब है कि इसमें ये पेरेंट तो ये चाइल्ड, ये पेरेंट ये तीनों क्या, चाइल्ड, ये पेरेंट है तो ये तीन दोनों क्या, चाइल्ड। तो इस प्रकार से इसमें पेरेंट और चाइल्ड के रूप में डाटा को स्टोर किया जाता है, ठीक है। तो आगे थोड़ी सी इसकी कमी भी है, जो हायरार्किकल डाटा मॉडल है कुछ कमियाँ भी है। कमी क्या है, जो हायरार्किकल डाटा मॉडल है इसमें DDL का यूज़ नहीं किया जाता और DML का भी यूज़ नहीं किया जाता। DDL का पूरा नाम डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज होता है और DML का पूरा नाम डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज होता है। तो इसमें DDL और DML का कतई भी यूज़ नहीं किया जाता, ये फ्लेक्सिबल नहीं है। यानी कि हायरार्किकल जो डाटा मॉडल होता है, फ्लेक्सिबल मतलब इसमें कोई भी लचीलापन नहीं है। हम चाहते हैं कि इसके अंदर हम सरलता से कार्य कर सकें, तो बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी लचीलापन नहीं है। आगे चलते हैं, फिजिकल डाटा मॉडल का ज्ञान जरूरी, यानी अगर आपको इस डाटा मॉडल पर कार्य करना है, हायरार्किकल डाटा मॉडल पर कार्य करना है, तो इसमें फिजिकल डाटा मॉडल की आपको जानकारी होना अति आवश्यक है। आगे है, स्ट्रक्चर बदलने पर प्रोग्राम पर प्रभाव पड़ जाता है, यानी कि जब इसकी संरचना को हम बदलने की कोशिश करते हैं, स्ट्रक्चर को बदलने की कोशिश करते हैं, तो इसका जो प्रोग्राम आपने बनाया था उस पर सीधा इसका इफेक्ट जाता है, ठीक है। तो ये थोड़ी सी इसकी कमियां भी है। तो जब हमसे कोई कमी पूछी जाती है हायरार्किकल डाटा मॉडल में, तो हम कुछ कमी उसकी बता सकते हैं। वैसे एक बार फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ कि यह जो हायरार्किकल डाटा मॉडल है ये उल्टे वृक्ष के समान होता है। पेरेंट और डाटा, पेरेंट डाटा और चाइल्ड डाटा के रूप में डाटा को डिफाइन किया जाता है और इसमें जितना भी डाटा होता है वो लिंक के माध्यम से दर्शाया जाता है, पॉइंटर के माध्यम से दर्शाने का काम होता है। इसमें एक पेरेंट और अनेक चाइल्ड हो सकते हैं, ठीक है। और इसमें बहुत ज़्यादा डाटा होता है और इसमें मेमोरी स्पेस का भी काफ़ी इस्तेमाल किया जाता है। तो बच्चों आज इतना ही,
तो आगे हम किसी नए टॉपिक के साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए बच्चों धन्यवाद।